बेटा ये जो बाहर तू कपड़े पहन के घूम रही है ना फैशन के नाम पे, तो सुधर जा बेटा वरना मैं सुधार दूंगा। तेरे बाप की चड्डी पहन रही हूँ, अपनी चड्डी अपने अच्छा अपना सब तुझे तुम्हारा क्या जा रहा है। बिग बॉस OTT फेम उर्फी जावेद अपने प्रोजेक्ट से ज्यादा अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। कुछ उनके कपड़ों की वजह से उन्हें ट्रोल करते हैं तो कुछ उनकी हिम्मत की दाद देते हैं, मगर ज्यादातर लोग तो उर्फी जावेद को कपड़ों को लेकर कोसते ही नजर आते हैं। एक बार फिर से उन्हें कपड़ों के चलते भद्दे कॉमेंट्स का सामना करना पड़ा। ये कॉमेंट्स करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाऊ हैं, जिन्होंने वीडियो शेयर कर उर्फी जावेद को धमकी तक दे डाली है। अगर उर्फी ने अपने ही अंदाज में उनकी बोलती बंद करवाई, आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। उर्फी जावेद के कपड़ों को सानी भाऊ ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उर्फी जावेद सुधर जाओ, जय हिंद। ये मैसेज उर्फी जावेद के लिए है, जो आज के समय में खुद को बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर समझ रही है। फैशन के मामले में वो कुछ भी पहनती है। फैशन के नाम पर जो कपड़े पहनकर उस सड़कों पर घूम रही है, उससे समाज में गलत असर पड़ रहा है। ये भारत की संस्कृति नहीं है। उर्फी जावेद सुधर जा बहन। हिंदुस्तानी भाऊ यही नहीं रुके, उन्होंने वीडियो में सरेआम उर्फी जावेद को धमकी भी दी कि अगर वो ऐसा करना बंद नहीं करेंगी तो वो उन्हें ठीक कर देंगे। अब इस पूरे वीडियो को उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और इस धमकी भरे वीडियो पर गुस्सा भी जाहिर किया है। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि पहली बात तो ये वो किसी से डरती नहीं है, और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तानी भाऊ दोगला है। उन्होंने बताया कि एक बार हिंदुस्तानी भाऊ की टीम की ओर से उन्हें मदद ऑफर की गई थी, मगर उन्होंने ये मदद लेने से साफ तौर पर मना कर दिया। तब से ये लोग उनके पीछे ही पड़ गए हैं। उर्फी ने कहा कि शुरुआत में तो ये लोग मेरे दोस्त बनना चाहते थे, लेकिन मैंने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया तो ये अब धमकी देने पर उतर आए हैं। आप लोग जो गाली देते हैं उसे पहले तो सुधार लीजिए। आपकी गालियों ने कितने लोगों को सुधारा है, मुझे सिर्फ सुधारना नहीं बिगाड़ना भी आता है। आपने जो मैसेज मेरे लिए शेयर किया है वो तो बहुत ही अच्छा है और लोगों के बीच बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और फिर जावेद ने ये भी बताया कि कुछ समय पहले हिंदुस्तानी भाऊ उनसे अपना प्रमोशन करवाना चाहते थे, मगर उन्होंने मना कर दिया तो वो धमकीबाजी पर उतर आए। और फिर ने ये भी बताया कि वो ट्रोलिंग के चलते अक्सर मेंटली परेशान हो जाती है और सुरक्षा को लेकर चिंता भी करती रहती है। वेल दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के जरिए उर्फी जावेद के वायरल वीडियो देख सकते हैं, जहां उर्फी जावेद और हिंदुस्तानी भाऊ के बीच में ये बहसी चल रही है। वेल जहां उर्फी जावेद ने हिंदुस्तानी भाऊ की इस वायरल वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया है, तो वहीं उर्फी जावेद के रिएक्शन पर अभी तक हिंदुस्तानी भाऊ का कोई भी पलटवार नहीं आया है। देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर अब उर्फी जावेद के इस पलटवार पर हिंदुस्तानी भाऊ अपना क्या रिएक्शन देते हैं। फिलहाल आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि दोनों के बीच हो रही इस बहसी पर आपकी क्या राय है और आप किसका साथ देंगे।